हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल। आज हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। ये ताजमहल से लगभग 44 किलोमीटर दूर है। इस वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट की देखरेख ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। इस मॉन्यूमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं, इसलिए पार्किंग से आपको ऐसी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की CNG बसेज मिलेंगी जो आपको ले जाएंगी सीधे फतेहपुर के फोर्ट पर। आने जाने के लिए इस बस की टिकट प्राइस है 10 रुपीज पर पर्सन। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि किसी भी मॉन्यूमेंट का टिकट आपको विंडो पर नहीं मिलेगा, आपको ASI की साइट पर जाकर ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ेगा। चलिए चलकर एक्सप्लोर करते हैं फतेहपुर के फोर्ट को। अपने टूर को बेहतर बनाने के लिए एक गाइड जरूर हायर करें। ASI से मान्यता प्राप्त गाइड्स आपको पहले गेट पर ही मिल जाएंगे एट वेरी नॉमिनल रेट्स। जैसे कि हमें चांद गाइड और उनकी टीम मिली, जिन्होंने हमें बहुत ही प्रोफेशनल वे में ग्रीट किया और कहा कि हमारी फीस आप तभी दीजिए अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगें। इसी टीम में से हमारे साथ गए गाइड महेंद्र, जिन्होंने हमें पूरा फतेहपुर फोर्ट बहुत ही अच्छे से दिखाया और समझाया। आई मस्ट से कि ये गाइड और उनकी टीम बहुत ही अच्छी थी। सबसे पहले चलते हैं दीवाने खास में, जहां पर अकबर अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स किया करते थे। बाहर से देखने में तो ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग लगती है, पर अंदर से एक्चुअली ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। इस स्तंभ पर आप हर रिलीजन के सिंबल्स पाएंगे। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हर धर्म का आपको इस पर एक ना एक सिंबल मिलेगा। ये है अकबर का शयन कक्ष यानी कि बेडरूम। इसमें आप देख सकते हैं ये पलंग जो 6 फुट ऊंचा है। अकबर की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसे इतना ऊंचा बनाया गया था। इस खाली जगह पर पानी भर दिया जाता था जब अकबर सोते थे, ताकि अगर कोई दुश्मन उन पर हमला करने आए तो पानी पर उसके पैरों के आहट से ही सैनिक चौकन्ने हो जाएं। ये है जोधाबाई पैलेस। इसमें है विंटर पैलेस, समर पैलेस और एक मंदिर। ये भव्य मंदिर श्री कृष्ण का हुआ करता था। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के बाद अब चलते हैं अगली बिल्डिंग की तरफ, जो है दीवाने आम। ये है दीवाने आम, द हॉल फॉर पब्लिक ऑडियंस। यहाँ पर बैठकर अकबर अपनी प्रजा की तकलीफों को सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। फतेहपुर सीकरी के फोर्ट को देखने पर कई जगहों पर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना मजबूत और खूबसूरत फोर्ट बिना मशीन्स और टेक्नोलॉजी के उस समय के कारीगरों ने कैसे बनाया होगा। इस जगह को खजाना और द ट्रेजरी कहा जाता है। कुछ लोग इसे आंख में चोनी भी कहते हैं। यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के रखे जाते थे। इस स्ट्रक्चर की फाइन कार्विंग को देखिए, बिना मशीन के इनको बनाना कितना कठिन रहा होगा। अब चलते हैं 5 मंजिला पंचमहल की तरफ। इसको रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट बिल्डिंग भी कह सकते हैं। देखिए दिस इनोवेटिव स्टाइल ऑफ बोर्ड गेम। यहाँ पर गोटियाँ नहीं रखी जाती थी, यहाँ इंसानों के साथ खेला जाता था। ये वो जगह है जहाँ पर अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन गाना गाया करते थे। इस कार्विंग में चिड़िया और शेर के सर सोने के बने हुए थे, पर अंग्रेज इसे भी लूट कर ले गए। फतेहपुर फोर्ट देखने के बाद यहाँ से हम गए हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर, जो कि अपने आप में एक अभूतपूर्व अनुभव था। प्राचीन कलाकारी का एक अनोखा नमूना होने के साथ साथ ये जगह स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही आप दरगाह के अंदर जाते हैं,
आपके मन में एक अनोखी शांति का अनुभव होता है जो शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। यहाँ की बहुत मान्यता है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं। बहुत सी हिंदी मूवीज में भी ये जगह दिखाई गई है। मेरा इस दरगाह का अनुभव बहुत ही पीसफुल और यादगार रहा। कहते हैं अकबर को भी यहीं के आशीर्वाद से बेटे की प्राप्ति हुई थी। ये है बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा। ये 54 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। चित्तौड़ की जीत के बाद अकबर ने इसे बनाया था। अपने नाम की तरह ही इसकी कारीगरी और बनावट दोनों ही बुलंद है। इस दरवाजे के पार है फतेहपुर का ये शहर, जो कि यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है। फतेहपुर फोर्ट और दरगाह देखने के बाद अब समय था इस जगह को अलविदा कहकर वापस होटल जाने का और इसके बीच कुछ शॉपिंग करने का। तो जिस बस में हम यहाँ आए थे उसी में बैठकर वापस गए ASI के बस स्टैंड पर, जहाँ वो 80 शॉप्स हैं जो पहले फतेहपुर सीकरी के फोर्ट में ही मौजूद थी, पर अब सरकार ने उन्हें फोर्ट से हटाकर यहाँ रिलोकेट कर दिया है। कोविड की वजह से यहाँ का बिजनेस बुरी तरह इफेक्ट हुआ है और इन शॉपकीपर्स को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कोविड की सारी प्रिकॉशंस लेते हुए एक बार ज़रूर कोशिश करें कि आप आगरा आएं और घूमें फिरें और इन शॉप से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें। इस तरह का स्टोन वर्क आपको इतने कम प्राइस में कहीं भी नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ शॉप नंबर 1 में मिल रहा था। हमारी शॉपिंग में मैं खास मेंशन करना चाहूँगी बाबा का। इनसे हमने खरीदे कुछ कैप्स। शॉपिंग तो हमने इनसे की ही, पर इनका व्यवहार वॉज वंडरफुल। आप जब फतेहपुर आएँ तो इनसे छोटा सा कुछ ज़रूर खरीदें। आगरा के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जयपुर। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी जयपुर की मस्ट विजिट प्लेसेस के साथ। अंटिल देन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much for watching.